लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता लागू होने पर जिला खरगोन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशन में और सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में व सहायक जिला आबकारी अधिकारी सजेंद्र मोरी के नेतृत्व में अवैध मदिरा के निर्माण विक्रय एवं संग्रहण के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सघन तलाशी की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार सुबह 6 बजे संयुक्त आबकारी दल द्वारा मुखबिर की सूचना पर रतबड़वाहा के ग्राम मठ पलासिया रावत पलासिया खड़की बारूल में नदी नालों के किनारे दबिश के दौरान लगभग 6,200 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 470 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ मदिरा बरामद की गई है। वहीं उक्त कार्यवाही में मृत प्रभारी रविशंकर पुरोहित आबकारी उप निरीक्षक द्वारा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जब्त मदिरा का मूल्य 7,10,500 रुपए है। आज दिनांक को जिला आबकारी खरगोन एवं वन विभाग बड़वा की टीम द्वारा 3 स्थानों पर कार्रवाई की गई, जिसमें सर्वप्रथम मठ पलासिया, उसके बाद रावत पलासिया, उसके बाद खुड़की बारोल में कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 470 लीटर हाथ भट्टी शराब, 6,200 केजी महुआ लाहन और इसके अलावा जो ड्रम वगैरह जो जिसमें हाथ भट्टी मदिरा को सड़ाया जाता है, लगभग 50 ड्रम जब्त किए गए, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7,500,000 रुपये है। और अन्य जगह पर भी ये कार्रवाई हुई, लगातार जारी रहेगी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।